टीम इंडिया इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है और T20 सीरीज भी जीत चुकी है। बता दें आपको कि टीम इंडिया तीसरा T20 मंगलवार को खेलेगी। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के कप्तान और उपकप्तान के बीच लगातार अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर इन दोनों के बीच अनबन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि हाल ही में रोहित शर्मा को टीम इंडिया की टेस्ट टीम में भी जगह दी गई है। बता दें आपको कि रोहित शर्मा की वापसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई थी, जो जब भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया था, और रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा था। ऐसे में रोहित शर्मा, जो वाइड बॉल क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उन्हें टेस्ट टीम में जगह बनाने में खासा उनके करियर में दिक्कतें आई हैं। लेकिन हाल ही में रोहित शर्मा ने विराट कोहली पर भी कहीं ना कहीं अपनी टीम में न जगह बना पाने का हार का ठीकरा फोड़ा है। रोहित ने साफ कहा कि टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुझसे भी खराब प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें लगातार मौके मिलते रहे। रोहित ने कहा कि अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए गए होते तो आज शायद मेरा टेस्ट का ग्राफ भी ऊपर की तरफ होता। रोहित ने बोला कि कहीं ना कहीं टीम के कप्तान और कोच को ये लगा नहीं कि मुझे टीम में जगह बनानी चाहिए, शायद यही वजह थी कि उन्होंने मुझे टेस्ट फॉर्मेट में ज़्यादा नहीं खिलाया। रोहित से जब ये पूछा गया कि वो अपने करियर के से अब तक खुश हैं या नहीं, तो रोहित ने साफ कहा कि मैं अब तक के करियर से खासा खुश हूँ और मैं अपने बेहतरीन फॉर्म को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में भी जारी रहेगा। बता दें आपको कि अगस्त की शुरुआत से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में रोहित शर्मा चाहेंगे कि वो अब लगातार भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेले ताकि उनकी जगह पुख्ता तौर पर सही हो सके। लेकिन अब रोहित का बयान क्या विराट कोहली को रास आएगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। ANP न्यूज़ रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।